देखो जरा सिद्धू नू कटिया गया ना साढ़े सात के नाल बिल्कुल एक साजिश के तहत टारगेट किया गया वा और इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि सिद्धू ने लोग सभा इलेक्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल की मिली भुगत का पर्दाफाश किया बहुत चुभिया इसलिए उन्होंने रीशफल का बहाना बना के कल आइसोलेट करके बाकी सारे महकमे मिनिस्टर जो हारे भी सी मिनिस्टर उन्होंने रिवॉर्ड करता दो महकमे के देते ये को जो महकमा खो के इसनों मैंटली टॉर्चर वालू धक्या क्योंकि हाईकमांड इज नॉट इन अ पोजिशन टू प्रोटेक्ट एनीबडी नॉट इवन सिद्धू हाईकमांड जी इन्नी वीक हो चुकी पोस्ट लोग सभा इलेक्शन कि वह सिद्धू बचा नहीं सके और हाईकमांड को पता वा कि जे असं अमरिंदर सिंह ज्यादा तंग धन कि कितने बनी बनाई सारी सरकार चक के बीजेपी के खेमे से चल जाए जिदा बाकी स्टेटा में ऑलरेडी कर्नाटका वगैरह शुरू होया हुआ कर्नाटका तो बाद मध्य प्रदेश भी सरकार हो गई इदा जाने हाईकमांड कांग्रेस की बहुत कमजोर हो चुकी है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा मंजूर करके उन्होंने राह पदरा कर दिता कांग्रेस चो भी कढ़न का राह पदरा जिहड़ा मैं समझदा कि किया गया वा ताइयों असीं सारा सब ने कहा सीगा कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर चाहुण तो उन्होंने आ जिहड़ा थर्ड ऑप्शन है जिहड़ी कि विकल्प पंजाब दे विच अनफॉर्चुनेटली केजरीवाल ने तबाह किया उस तो पहला मनप्रीत सिंह बादल वेले फेल होया इस तीसरे विकल्प में ताकतवर ताकत देने वास्ते नवजोत सिंह सिद्धू इस कांग्रेस चो निकल के तो साढ़े वाले इतने आ के साथ देना चाहिए असं सारे मिल के अपने सूबे नूं ते अपने पंजाब नूं बचाउण लई उपराला करिए।